झूठ कैसे बोलना है, कब बोलना है, जनता को गुमराह कैसे करना है, कब करना है, बीजेपी से बेहतर किसी को मालूम नहीं है। चुनाव आते ही बीजेपी के नेता देवदूत बन जाते हैं, मानो सांसारिक दिग्दृष्टि का ज्ञान इनसे बेहतर कोई और नहीं जानता हो। धर्म के रक्षक बन धर्म की ठेकेदारी करने लगते हैं, चुनावी एजेंडे में धर्म सर्वोपरि हो जाता है और गाय माता की सियासत तो मानो सत्ता हासिल करने की पहली सीढ़ी है। गाय माता की नाम की नैया पर सवार होकर चुनावी बैतरणी पार कर स्वर्ग में आसन लगा लेते हैं, फिर कौन पूछता है गाय माता को। हाँ, कभी कभार फोटो जरूर खिंचवा लेते हैं ताकि गाय नामी सियासत बरकरार रहे, हिंदुवादी संगठनों के बीच ठोस बरकरार रहे, फिर गाय तड़प कर मरे या भूख से मरे कोई परवाह नहीं होती। यह वीडियो उन्नाव की एक गौशाला की है जहां हर तरफ गायों के शव पड़े हैं, गायों की हालत भूख से बदतर है। तस्वीरों में आप खुद ही देखें गायों की कितनी शिद्दत से सेवा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी राज्य में बड़ी बड़ी गौशालाओं का निर्माण करवाने, गायों की रक्षा के लिए योगी सरकार कई नई नीतियां बनाने की दावे करते आई है, लेकिन बीजेपी सरकार की हकीकत कुछ और ही है। गौशालाओं में गाय बिना खाए बिना दवा के मरने को मजबूर है, ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिल चुकी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, बीजेपी राज्य की है जहां गायें दुखद हालत में रहने को मजबूर है, वहीं कुछ गायें मर चुकी हैं। शवों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है। गाय के नाम पर वोट बटोरने वाली बीजेपी सरकार में गायों की जो हालत है शायद ही किसी सरकार में हुई थी। गायों की यह दुर्दशा देख राजीव निगम लिखते हैं, यह देखकर किसी हिंदू को दर्द नहीं हुआ, यह ढोंगी हिंदू सिर्फ किसी गरीब को डराने धमकाने में ही हिंदुत्व ढूंढते हैं। इस पर भी जिम्मेदार लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार से पूछना चाहिए था गायों की ऐसी हालत पर जिम्मेदारी किसकी तय होगी, कौन होगा इसका जिम्मेदार। गौ रक्षा के नाम पर देश में साल 2014 के बाद में मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिली है, हिंदुवादी संगठनों की गुंडागर्दी में चार चांद लग गए। इनकी गुंडागर्दी के कारण कई बेकसूर लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन गौ रक्षा के मुद्दे को मुखर रख हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली योगी सरकार इस मामले में बुरी तरीके से फेल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।